सब्सक्राइब कीजिए नेचुरल यू को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपको स्लीप डिस्क सियाटिका की प्रॉब्लम है, यानी कि दबी हुई नस की अगर आपको कमजोरी है, नसों में दर्द रहता है, नसों में सूजन आ गई है, नसों में चोट लग गई है, या फिर नसों में किसी भी तरीके की कमजोरी है, तो आज आपके लिए बहुत अच्छा तरीका लेकर आई हूँ। इसके साथ ही ये ऑयल आप अपने जोड़ों के दर्द हो या कमर में दर्द हो या घुटनों के दर्द में भी इस ऑयल की मसाज कर सकते हैं। ये ऑयल इतना अच्छा है, इतना मैजिकल ऑयल है कि 1 से 2 दिन में आपके कैसे भी शरीर में समस्या हो वो जड़ से खत्म कर देगा। दबी हुई नस के लिए तो रामबाण इलाज है और जोड़ों के दर्द के लिए तो जरूर करके देख लेना। बिना डॉक्टर के पास जाए हुए आप घर बैठे ही अपना इलाज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने तेल लिया है, सरसों का तेल लिया है। अगर आपके पास लेवेंडर ऑयल है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि लेवेंडर ऑयल, सरसों का तेल जो है दबी हुई नस या फिर सियाटिका, स्लीप डिस्क या फिर जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण उपाय है। जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से यूज करेंगे ना, 1 से 2 दिन में आपकी दबी हुई नस या जोड़ों का दर्द हो छूमंतर हो जाएगा। तो बनाते हैं अपना तेल और इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं, किस तरह लगाएंगे कि आपके जो दबी हुई नस है, जोड़ों का दर्द है, वो ठीक हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पैन लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कटोरी के करीब सरसों का तेल। अगर आप ज्यादा स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे क्या, जो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट होगा वो होगा पुदीने का पाउडर, यानी कि मिंट लीव्स पाउडर। पुदीना की पत्तियां ला करके सुखा करके मैंने इसका पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच के करीब पुदीने का पाउडर ऐड करूंगी, ठीक है। आप क्वांटिटी का ध्यान रखना क्योंकि ये बड़ी चम्मच है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब पुदीना पाउडर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है, यहाँ पे मैंने लिया है काली मिर्च पाउडर, यानी कि काली मिर्च को पीस करके उसका पाउडर बना लिया है, दरदरा कर लिया है, इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इस ऑयल को आपको कम से कम 1 मिनट के लिए उबाल लेना है। इसके साथ ही बता दूं मैं आपको, ये ऑयल इतना ज्यादा अच्छा है कि आपके कहीं भी दबी हुई नस है, नसों में चोट आ गई है या फिर नसों में कोई भी तरीके की कमजोरी है, इस ऑयल की मसाज कर लेना आप और आसानी से आप स्टोर करके रख सकते हैं। जो मार्केट में ऑयल आते हैं ना जॉइंट्स पेन के लिए और या फिर नसों की कमजोरी के लिए, नसों में दर्द के लिए, इतने ज्यादा महंगे आते हैं और आप उनको लगा करके आपका कोई पेन ठीक भी नहीं होता, बहुत टाइम लगाने के बाद आपको फर्क दिखाई देता है। ये ऑयल उससे ज्यादा अच्छा है और आपको 1 से 2 दिन में फर्क दिला देगा। जरूर अजमा करके देख लीजिए, आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको दर्द करे आपके शरीर में, आसानी से इस ऑयल की मसाज करें और स्टोर करके आप कहीं भी रख सकते हैं। कितने महीने भी आप इस ऑयल को स्टोर करके रखेंगे खराब नहीं होगा। तो आपको 1 से 1.5 मिनट के लिए इस ऑयल को अच्छे से मिला लें और अच्छे से पका लें, ताकि जो भी हमने दोनों इंग्रेडिएंट्स इस ऑयल में मिलाए हैं वो आसानी से इसमें पक जाएं और जो भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं इस ऑयल में आ जाए, ताकि मसाज करने के टाइम पे आपको ज्यादा फायदा मिले। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑयल अच्छे से पक गया है। अब हम कर देंगे फ्लेम को बंद, और आपको लो फ्लेम पे ही इसको पकाना था, तो फ्लेम को बंद कर दीजिए। पकने के बाद अब आपको क्या करना है ना, इस ऑयल को हल्का सा गुनगुना होने के लिए रख देना है, और आपको इस ऑयल को छानना बिल्कुल भी नहीं है। इस ऑयल को केवल हल्का गुनगुना होने के बाद आपको एक कांच की बॉटल में भर के रख देना है। ध्यान रखना है, जब भी इस ऑयल को स्टोर करके रखें तो कांच की बॉटल में स्टोर करके रखें, प्लास्टिक की बॉटल या स्टील की बॉटल में स्टोर ना करें। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पैन को मैंने उतार लिया था फ्लेम से, और इस कांच की बॉटल में मैं इस ऑयल को भर दूंगी। आप जब भी इस ऑयल को भरें, कांच की बॉटल में ही भरें। तो मैं बिना छाने इस कांच की बॉटल में इस ऑयल को मैं भर दिया। सो आप देख सकते हैं ये ऑयल कितना बना है, इतना बन गया है आधी बॉटल के करीब। इसके साथ ही इस बॉटल को अच्छे से एयर टाइट करके जरूर रखें। आप देख सकते हैं एयर टाइट करके रख दिया है। जब भी इस ऑयल की आपको मसाज करनी है, अब आपको इस ऑयल की मसाज कैसे करनी है ये देख लीजिए। ऑयल को लीजिए और अपने नसों पे ऐसे करके मालिश कीजिए। आप देख सकते हैं ऐसे आपको अपने नसों पे मालिश करनी है, जहां भी आपके नसों में दर्द है या फिर नसों में सूजन आ गई है या नसों में किसी भी तरीके की समस्या है, कमजोरी हो गई है, जॉइंट्स पेन है, नसों में दर्द रहता है, या फिर अगर आपके घुटनों और कमर में भी दर्द रहता है, आप इस ऑयल की मालिश कर सकते हैं। ये ऑयल इतना ज्यादा अच्छा है, मैजिकल ऑयल समझ लीजिए कि 1 से 2 दिन में आपको फायदा दिलाएगा। इसके साथ ही हमने जो इसमें 2 इंग्रेडिएंट मिलाए थे, काली मिर्च और पुदीने का पाउडर, ये दोनों ही इंग्रेडिएंट नसों की कमजोरी और नसों के दर्द के लिए काफी अच्छा इलाज है। अगर आपकी दबी हुई नस है तो आप इस ऑयल की जरूर मालिश करें। केवल आपको हल्के हाथों से 6 से 8 मिनट के लिए अच्छे से मालिश करनी है, कस कस के बिल्कुल ना करें, केवल हल्के हाथों से ऐसे मालिश करें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये ऑयल जब आप लगा रहे हैं कहीं भी दबी हुई नस में या नसों में दर्द के लिए, तो आपका वो हिस्सा पानी में नहीं जाना चाहिए 1 से 2 घंटे के लिए। जब तक ये ऑयल आपके स्किन में लगा रहेगा तो आपको उतना ही फायदा दिलाएगा। तो आपको पूरे दिन में 2 बार इस ऑयल की मसाज करनी है, आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। बस इतना सा करना है कि जब भी इस ऑयल की मसाज करें, ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लें ताकि आपको जल्दी फायदा मिले और आपका जो नसों
नसों की कमजोरी है, दबी हुई नस है या फिर जॉइंट्स पेन है, वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो आपको इस ऑयल की केवल और केवल गर्म करके मसाज करनी है पूरे दिन में 2 बार हल्के हाथों से 6 से 8 मिनट के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा बहुत छोटा सा उपाय, जरूर करके देखिएगा। और अगर आपको हमारी होम रेमेडी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। अगर आप ऐसी ही रेमेडी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।